प्रदेश में आपराधिक मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। बदमाशों के हौसले इतने बढ़ चुके हैं कि उन्हें पुलिस का कोई डर नहीं रहा। प्रदेश से बदमाशों के आतंक की 3 तस्वीरें सामने आई हैं। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। प्रदेश में बेखौफ हुए बदमाश। बदमाशों को नहीं, पुलिस का डर। प्रदेश में बदमाशों का कहर जारी। झज्जर में डबल मर्डर। पानीपत में फायरिंग। प्रदेश में बदमाश पूरी तरह से बेखौफ हो चुके हैं। जिस तरह से अपराध की वारदातें बढ़ती जा रही हैं, उसे देखकर यही कहा जा सकता है कि बदमाशों के दिलों में पुलिस का डर जरा भी नहीं रहा। अपराध की 3 और वारदातें प्रदेश से सामने आई हैं। एक एक कर आपको तीनों वारदातों से रूबरू कराते हैं। पहले बात करते हैं झज्जर की, जहाँ जिले के गाँव गोरैया में डबल मर्डर का मामला सामने आया है। 2 लोगों को बड़ी ही बेरहमी से मार दिया गया, जिसके बाद गांव में लोगों में दहशत का माहौल है। दरअसल गोरैया गांव में बीती रात 2 लोगों का मर्डर हुआ, जिसमें पहला मर्डर कौशल्या देवी नाम की महिला का हुआ। रात करीब 12 बजे कौशल्या की किसी ने तेज हथियार से हत्या कर दी। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मृतक के बेटे रविंद्र ने बताया कि वो खेत में काम कर रहा था, तभी किसी ने उसे सूचना दी थी कि उसकी माँ का कत्ल हो गया है। जब बेटा घर पहुँचा तो उस वक्त उसके पिता भी घर में मौजूद थे। परिवार ने पुलिस प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। कल रात को मेरी माँ का मर्डर हो गया घर पे ही, कोई लूटपोट नहीं। मैं प्रशासन से कहता हूँ कि भाई सख्त से सख्त कार्रवाई करो। कैसे पता लगा? ये तो जी मेरे पास तो फोन आया था, मैं गांव में रहते थे, वो खेत में रहते थे। उसी टाइम मतलब गाड़ी लेके गया वहाँ, तो जब मतलब माता जी डेड बॉडी वहीं पर। तो वहीं दूसरा मामला भी गोरैया गांव से ही सामने आया। गोरैया गांव में एक और हत्या की गई। अशोक नाम के 45 साल के व्यक्ति की भी तेज धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। मृतक के भाई ने बताया कि उन्हें पुलिस से सूचना मिली थी कि उनके भाई का मर्डर हो गया है। उसके बाद वो लोग मौके पर पहुंचे तो उनका भाई लहूलुहान हालत में मिला। अशोक को अस्पताल में लाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिवार ने प्रशासन के हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। और भैंस को देखने के लिए बाहर गया था, वहाँ पे किसी ने थोड़े से मारा है, लट से मारा, किस से मारा है। हम गए उस टाइम पर, हमने डेड बॉडी मिली हमारे तो पहले पुलिस पहुंच रही थी वहाँ पे, और डेड बॉडी मिली है, कोई गाड़ी वगैरह किसी के निशानदेही नहीं मिली। तो वही तीसरा मामला पानीपत से सामने आया, जहाँ बदमाशों ने बीच बाजार में दुकान में घुसकर 2 लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। आपको बताएं कि बीती रात संभालका के भटनागर कॉलोनी में 4 बदमाश एक दुकान में घुसे और वहां पर मौजूद 2 लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इसके बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सीसीटीवी में साफ नजर आ रहा है कि बदमाश दुकान में आने से पहले ही गन बाहर निकाल लेते हैं, और उनके अंदर आते ही दुकानदार घबरा जाता है और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। बदमाश दुकान के गल्ले से पैसे लूटने की कोशिश करते हैं और उनका साथी दुकानदार पर फायरिंग कर देता है। कुछ सेकंड में ही वो दुकान में गोलियां चलाकर फरार हो जाते हैं। सर मेरा भाई था, करियाने की दुकान है, वो दुकान बढ़ा रहा था, तभी पीछे कुछ 4 लोग आए, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। पीछे का दुकानदार था, उन पहले उन पर फायर किया, उन्होंने 2-3 फायर किए। उसके बाद भाई दुकान बढ़ा रहा था, तुरंत उसको ऊपर फायर किया, तो मैंने आगे देखा तो फिर उसको भाई को यहाँ गोली लगी है। 4 बंदे थे, डिस्को बाइक पर थे, 4ों ने अपना मुँह बांधा हुआ था। गोली की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हुए और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। इसके बाद पुलिस को मामले की सूचना दी गई और पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर चुकी है। इसके बाद पुलिस ने बदमाशों की फुटेज जारी करते हुए उनके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया। सर बाबूजी सब दुकानें बड़ा बड़ा के बाद बहुत दस का माहौल बना हुआ, 4 बंदे उन्होंने फायरिंग करते लगातार इधर उधर दबा के फायरिंग की उन्होंने, तो इंसाफ की मांग करते हैं। प्रदेश में जिस तरह क्राइम की वारदातें बढ़ती जा रही हैं, उससे ये बात तो साफ है कि बदमाशों को पुलिस का कोई डर नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर कब पुलिस इन बदमाशों को काबू कर पाएगी
और कब प्रदेश की जनता चैन की सांस ले पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज़।